हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। हम लोग आ चुके हैं जगत तारण गोल्डन जुबली स्कूल में। यहाँ पर बंगाल फूड फेस्टिवल लगा हुआ है। यहाँ पर बहुत ढेर सामान लगे हुए हैं जो कि बंगाल से रिलेटिव है, सिर्फ बंगाल के लिए, जैसे कि मिठाई हो गई, गेम है और कपड़े हैं, यहाँ पर सब अवेलेबल हैं। और चलिए हम लोग चलते हैं और देखते हैं यहाँ अंदर क्या क्या है। चलिए आइए वीडियो शुरू करें। और ये हम लोग अंदर आ चुके हैं। ये जगत तारण स्कूल है, गोल्डन जुबली स्कूल। यहाँ पे हर साल ये प्रोग्राम रखा जाता है, ये देख सकते हैं आप। और यहाँ शॉप वगैरह बहुत लगी हुई है। चलिए अंदर चलते हैं, आप लोगों को दिखलाते हैं। जैसे एक शॉप देखिए, ये लगी हुई है, ये शुभ होकर के कुछ है। क्या क्या है भाई? क्या क्या है हमको खुद भी नहीं पता कि ये पता नहीं क्या चीज है, पता नहीं भाई ये क्या है। प्याज होता है ना, प्याज के ऊपर का ये साग, प्याज के ऊपर का होता है। हम इसमें प्याज नहीं होगा, और आगे चलते हैं। ये मैडम बता रही हैं कि ये प्याज है, प्याज के ऊपर का है, कुछ कली है प्याज की। चलिए ठीक है, कुछ शॉल वगैरह लगी है, देख सकते हैं। ड्राई फ्रूट वगैरह, ड्राई फ्रूट है सब। कश्मीर के तरफ से ये दुकान लगी हुई है, 35 नंबर दुकान है। आप एंट्री करेंगे, ये दूसरी ही दुकान है। एंट्री करते ही यहाँ पर लोग ख़रीदारी भी कर रहे हैं। यहाँ पर देखिए लेडीज सूट वगैरह। चलिए और आगे चलते हैं और अंदर चलते हैं। एक और शॉप है, शॉप नंबर 34। यहाँ भी कुछ मेरे ख्याल से शायद साड़ी वगैरह है, साड़ी वगैरह है। ये इसके जस्ट सटी हुई दुकान ये एक है। यहाँ फ्लावर वगैरह बहुत अच्छे अच्छे फ्लावर लगे हुए हैं, आप देख सकते हैं अंदर भी है। सब पर प्राइस टैग लगा हुआ है, देख सकते हैं आप। पर बहुत ढेर सारी शॉप वगैरह लगी हुई हैं और यहाँ लोग, यहाँ प्रोग्राम भी चल रहा है, यहाँ लोग बैठे हुए हैं। आपको एक एक करके सारी दुकान दिखलाएंगे, सारी शॉप की, किस किस शॉप पे क्या क्या लगा हुआ है। चलिए आगे और चलते हैं। ये एक शॉप है, शॉप नंबर 32। यहाँ पर कुछ कुकीज़ वगैरह हैं, पता नहीं क्या कहते हैं इसको, कुकीज़ कुछ करके कुछ लिखा हुआ है। यहाँ पर स्टेज बना हुआ है, यहाँ पर परफॉर्मेंस होती है, जो कि अभी हम लोग सुबह चले आए हैं तो इस वजह से स्टार्टिंग हो रही है। धीरे धीरे यहाँ पर परफॉर्मेंस, लोग आएंगे, अपना अपना हुनर दिखलाएंगे, सिंगिंग डांसिंग वगैरह। यहाँ लोग सब बैठे हुए हैं। यहाँ ज़्यादातर लोग आपको बंगाली ही मिलेंगे, क्योंकि ये बंगाली लोगों के लिए ही आयोजित किया गया। एक शॉप ये है, यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है कि होम डेकोर। यहाँ पर सब घरेलू सामान, सब चादर वगैरह है, कुशन कवर है, कुशन कवर देखिए इधर लगे हुए हैं।
यहाँ पे सब लेडीज नेकलेस वगैरह हैं। सब बंगाली ट्रेडिशनल। सब बंगाली लोगों के, बंगाली लोग ज़्यादातर यहाँ पर हैं और बंगाली टाइप का सामान भी आपको ज़्यादातर मिलेगा। यहाँ पर कॉफ़ी वगैरह लगी हुई है जो कि फ्री है, और इसके अलावा आप चाय और फ्री ले सकते हैं। इसके अलावा और जो कुछ लेना होगा उसके लिए आपको पे करना पड़ेगा। यहाँ देखें लोग चाय का लुत्फ़ लेते हुए। चलिए नेक्स्ट शॉप पर चलते हैं। एक कॉस्मेटिक की शॉप है ये, यहाँ बहुत ढेर सारा सामान लगे हुए हैं, देख सकते हैं। ईयरिंग लगी हुई है, लेडीज पर्स वगैरह ये देखें आप। ये मैम लोग खरीदारी कर रही हैं, पर्स वगैरह लेडीज लगे हुए हैं। ये भी एक शॉप है, नेकलेस वगैरह लगे हुए हैं। पर्स लगे हुए हैं, यहाँ पे धीरे धीरे क्राउड बढ़ रहा है। खाने वगैरह का सामान है, समोसे हैं, मीठी सामान है, देख सकते हैं। यहाँ ज़्यादातर शॉप जो लगी है वो बंगाली टाइप की लगी है, क्योंकि बंगाली यहाँ पर ज़्यादा हैं। यहाँ पे आपको चिकन रोल, चिकन एग पीस, बिरयानी, ये देखिए गरम गरम ताज़ी ताज़ी बिरयानी निकालने वाले। धीरे क्राउड बढ़ ही रहा है, देख सकते हैं। हम अपनी लाइफ में पहली बार देख रहे हैं कि इस टाइप की मिठाइयाँ होती हैं। मिठाई बहुत देखी है, अगर एकदम नई टाइप की मिठाई
जाएंगे और आगे चलते हैं। ये चिकन अपना रोस्ट होते हुए भाई की शॉप है तेरा, यहाँ पर भी चिकन बिरयानी वगैरह हम लोग देख सकते हैं। यहाँ पर लिखा हुआ है कुलचा, नान पराठा, मटन गलवटी कबाब, मटन निहारी काया। एक शॉप और है यहाँ पर नेकलेस वगैरह सब लगे हुए हैं। यहाँ की खास बात ये है कि यहाँ पे बंगाल से जुड़े हुए चीज़ आपको ज़्यादा मिलेंगे, है ना। सब बंगाल से जुड़े हुए चीज़। बहुत खूबसूरत खूबसूरत चीज़ रखी है, वॉच है, बॉल है, की रिंग है। इसके ये सटी हुई दुकान है, यहाँ पर आपको कुर्ता वगैरह साड़ी वगैरह एकदम बंगाली लुक में महिला। शेरी कलेक्शन यहाँ पे सारे प्लास्टिक के सामान वगैरह, बोतल देख सकते हैं। सोनू भाई से काफ़ी अच्छा लगा हमको, आपको कैसा लगा भाई? हमको भी बहुत अच्छा लगा। और यहाँ पर ज़्यादातर चीज़ जो है आपको बंगाल से रिलेटेड चीज़ मिलेगी। और जहाँ तक कि हमने कुछ ऐसी मिठाइयाँ भी देखी जो हमने अपने मतलब यहाँ पे यहाँ पे देखने नहीं मिली। आज पहली बार हमने खुद देखी कि हाँ इस टाइप की भी कुछ मिठाइयाँ होती है। और भी सामान है, बहुत ढेर सारी चीज़ें यहाँ पर जो बंगाल से रिलेटेड है। अब वापसी बाहर हम बाहर निकल रहे हैं, मिठाई खाया, काफ़ी अच्छी मिठाई थी, मिठाई बहुत ही अच्छी लगी हम लोगों को। और यहाँ आपको सामान ऐसे थे कि जिसको हम लोगों ने ले भी लिया है घर ले आने के लिए, उसको घर पर जाके चेक करेंगे वो है क्या। चलिए खैर बाहर की तरफ, बाहर बाहरी गेट और सरप्राइज का टेस्ट करके बताएंगे कि जो सामान हम लोगों ने लिया है वो कैसा है। मिठाई तो हमको भाई बहुत अच्छी लगी यहाँ की। हाँ ये स्कूल है बच्चों का।